तो मैं हूँ आशीष, स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई, बिल्कुल नई चमचमाती हुई हुंडई एक्स्टर का SX CNG। और इस गाड़ी को भाई मिल गया है 2024 में एक बड़ा अपडेट। कुछ लोग तो भाई क्या कहने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक बार ये बोल सकते हैं कि टाटा की जो कॉपी है वो हुंडई के द्वारा की गई है। अब हुंडई एक्स्टर में आपको दो दो CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो उस वजह से भाई CNG सिलेंडर लगने के बाद जो इस गाड़ी की बूट स्पेस है वो आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ भाई यहाँ पे आप नोटिस करिए, ये चीज़ भाई आपको किस कंपनी में मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आज हम बात करेंगे जो इस हिसाब से इस गाड़ी में अपडेट लाया गया है, क्या कुछ फीचर्स वगैरह बढ़ाए गए हैं और सिलेंडर वगैरह को लेकर क्या सेफ्टी बरती गई है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले भाई आपको 3 वेरियंट में CNG जो है वो देखने को मिल जाती है। ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो सबसे ज़्यादा सेल होता है SX CNG। और इसका एक K9 एडिशन आया है भाई, देख सकते हैं सामने खड़ा हुआ है। इसकी भी वीडियो जल्द ही आने वाली है K9 वगैरह में क्या कुछ मिल जाएगा। और पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। इस गाड़ी कीमत की बात करते हैं तो 9,30,000 XOM कीमत में पड़ जाती है। और इस गाड़ी का सीधा सीधा मुकाबला जो है वो टाटा पंच से किया जाता है। और टाटा पंच भाई एक ऐसी गाड़ी है जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। पर ये जो हुंडई एक्स्टर है भाई ये भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। फीचर के मामले में देखते हैं तो बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और इस SX वेरियंट में आपको सनरूफ भी दे दिया जा रहा है। सबसे पहले अगर जो आप इस गाड़ी की चाबी की बात करते हैं तो ऐसी कुछ चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। 3 बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के साथ साथ। इस बटन को होल्ड करके रखते हैं तो जो आपका बूट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। उसके बाद इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो सेगमेंट के हिसाब से भाई इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। H शेप के साथ आपको यहाँ पे DRS जो है वो देखने को मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। नीचे देखते हैं तो बॉडी के हिसाब से भाई ये जो पूरा पार्ट है ना काफी बेहतरीन लगता है। प्रोजेक्टर हाइड्रोजन हेडलाइट मिल जाएगा जिसे आप लो बीम और हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। और फ्रंट में भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट ये पार्ट होता है। एक्स्टर लिखा गया है 3D में शटर फिनिश के साथ हुंडई का लोगो। यहाँ पे आपको एक अलग तरीके की ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है। गैपिंग वगैरह भी दे दिया गया है, इस वजह से जो आपकी गाड़ी का इंजन है वो काफी कूल रहेगा। सिल्वर स्किट प्लेट मिल जाती है इसके फ्रंट में। अगर जो आप इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसे निकल के आती है। 175/65 R15 इंच के साथ नॉर्मल स्टील रिम मिल जाएगी। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। ABS CVT जो ब्रेकिंग से संबंधित फीचर्स होते हैं वो भी आपको ऑफर कर दिया जाता है। गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। ORVM की बात करेंगे तो बॉडी कलर ORVM मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। और इस 2024 में क्या कुछ चेंज वगैरह किया गया है वो भी मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूंगा। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी फिल्म के साथ रूफ रेल ऑफर की गई है। इतने छोटे सेगमेंट में ये सारी चीज़ें मिल जाए तो गाड़ी का जो रुतबा है, जो सिस्टम है भाई, काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। तो आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल जाएगी इस SX वेरिएंट में। धीरे धीरे रियर में आते हैं तो रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी निकल के आती है। एक बार इसका टेल लैंप यूनिट जो है वो ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप यहाँ से ऑन करते हैं और अब चेक करिए, अब देखिए भाई इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल कितनी बेहतरीन लगती है। यहाँ पे आपको हुंडई H-शेप आपको टेल लैंप मिल जाएगा। ये ब्रेक वाली यूनिट होगी। टर्न इंडिकेटर सीवीएस लैंप का यहाँ पे ऑफर किया गया है। जो हाई CNG डुओ जो इसमें डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी लगाई गई है इससे भी आप पहचान सकते हैं। दो दो CNG सिलेंडर जो हैं वो लगाए गए हैं। उसके बाद और सारी चीज़ें भाई सेम ही है, कुछ ऐसा चेंज नहीं किया गया है। फिर भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा मिल जाएगा, हुंडई का लोगो यहाँ पे ऑफर किया गया है। वाइपर नहीं मिलता है, डिफोगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप, सार्फिन एंटीना, CNG का स्टिकर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक्स्टर लिखा गया है 3D में। सेफ्टी वगैरह को देखते हुए 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किया गया है। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि भाई जिससे मान लीजिए 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं तो गाड़ी टू टू करके आपको बताती रहती है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम जो है इसके रियर में देखने को मिल जाता है। और उसके बाद भाई रियर में ही है तो जो इसका बूट है वो मैं खोल के आपको इसका स्पेस वगैरह जो है वो चेक करवा देता हूँ। और यहाँ भाई सबसे ज़्यादा कमाल इस 2024 में इस गाड़ी के साथ यहाँ पे किया गया है। तो दो दो CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब आपको लोग ये नहीं कहेंगे कि CNG वाली गाड़ी ले लिए हैं तो बूट स्पेस आपको नहीं मिलेगा। जैसे लोगों का सोच ये रहता है भाई, जब आप CNG गाड़ी लेकर रोड पर निकलते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि इनके पास CNG गाड़ी है तो बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। और भाई टाटा और हुंडई अब हर गाड़ियों में दो दो सिलेंडर जो है वो दे दिया जा रहा है। उस वजह से देखेंगे तो CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आपको काफी अच्छा खासा बूट स्पेस ऑफर की गई है। और यहाँ देखेंगे तो एक आपको टायर मोबिलिटी किट जो है वो देखने को मिल जाती है। मान लीजिए कहीं आप आपदा स्थिति में फंस जाते हैं, आपका टायर वगैरह पंचर हो जाता है, तो इस किट को लगा के आप पंचर रिपेयर जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए दो बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं और इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो इस पट्टे को खींचिए और सीट को भाई थोड़ा आगे करके
फोल्ड भी कर सकते हैं। और जब भाई ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा बोल्ट स्पेस जो है वो निकल के आ जाता है। मेन चीज़ या मेन फ़ायदा आपको इसके बोल्ट स्पेस को लेकर मिलेगा, पहले भाई थोड़ा लोग हिचकिचाते थे, काफ़ी बड़ा सा सीएनजी सिलेंडर मिल जाता था, उस वजह से बोल्ट स्पेस वगैरह इस गाड़ी में नहीं मिलते थे, पर अब भाई अपडेट कर दिया गया है तो बोल्ट स्पेस वगैरह भी आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। डोर की बात करेंगे तो ऑल ब्लैक के साथ डोर मिल जाएगा और चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, तो आप यहीं से रियर वाला जो मिरर है अप डाउन कर सकते हैं। बोटल होल्डर के साथ साथ स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। सीट कुछ इस तरह फोल्ड जाएगा और यहाँ से आप ऐसे कुछ से अनफोल्ड भी कर सकते हैं। डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगा, सेफ्टी वगैरह का भाई काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। गाड़ी में बैठते हैं स्पेस वगैरह कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। और भाई जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, लेग रूम भी आपको काफ़ी अच्छी खासी ऑफर की गई है। सेंटर में आपको 2.8 सीट मिल जाते हैं। गाड़ी का कैबिन जो है भाई काफ़ी जल्दी ठंडा होने वाला है, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट और 3 लोग तो आप आराम से बैठ सकते हैं। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फील वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर ऑफर किया गया है। और इसके CNG सिलेंडर को लेकर भाई काफ़ी सेफ्टी बरती गई है, जरा सी भी CNG अगर जो लीक रहेगी तो आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होती है। तो एक चीज़ थोड़ा और मैं यहाँ बताना भूल गया, जो इसका CNG फ्यूल फिलर कैप है अगर जो आप इसे बंद नहीं करते हैं तब जो आपकी गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होती है। जब आप CNG स्टेशन पे CNG या पेट्रोल फिल करवाते हैं तो उस कैप को बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। स्पेस वगैरह भाई काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, ऊपर आपको सनरूफ मिल जाती है, यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट ऑफर कर दिया जाता है, दोनों साइड आपको ग्रे वेंडर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में क्या कुछ मिल जाएगा चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जब आप इसका ड्राइवर साइड डोर देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम थीम जो है वो देखने को मिल जाती है, ऑल ब्लैक कलर के साथ चारों पावर विंडो मिल जाएगा। चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं, पावर डोर लॉक्स, और ये जो ORVM है आप इस बटन को प्रेस करके फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। बोतल होल्डर, पेपर होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। सीट की बात करेंगे तो डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको फ्रंट में नहीं मिलेगा और सीट को यहाँ अपने हाइट अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक खोलने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीट को करते हैं भाई पीछे और यहाँ पे आपको कई सारी तमाम बटन जो है वो दे दी गई हैं। सबसे पहले भाई ये हेडरेस्ट का लेवलर हो गया, और CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके स्विच कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे ऑफर किया गया है, ABC एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच और हुंडई की गाड़ियों के किसी CNG वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है। बोनट आप यहां से ओपन कर सकते हैं। गाड़ी में बैठते हैं क्या कुछ मिल जाता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। और भाई जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो ये चीज़ चेक करिए कितना बेहतरीन इल्यूमिनेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा आपको, पूरा फुल तरीके से आपको डिजिटल मिल जाता है। और गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, ए भी माइलेज वगैरह के बारे में चेक करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको TPMS का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा, आप यहीं से सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी साइड देखते हैं तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फ़ोन उठाने के काटने के मोड वगैरह को चेंज करना हो तो आप स्टीयरिंग से ही कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भाई आप इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में चलाते हैं या यूज करते हैं ना तो काफ़ी मजा आता है। एयरबैग की बेजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, हेडलैम्प कंट्रोल्स यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM के साथ साथ हैलोजन लाइट ऑफर की गई है, और यहाँ पे आपको जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलेटी मिरर मिल जाता है, और ये चीज़ आप चेक करिए जो आज के टाइम पे काफ़ी ट्रेंडिंग चलता है वो भी आपको ऑफर कर दिया जाता है। आप यहीं से वन टच करिए तो जो इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो ओपन हो जाता है। इतने छोटे सेगमेंट में भाई आपको सनरूफ वगैरह मिल जाए तो क्या ही बात है। और वन टच करते हैं तो जो इसका इलेक्ट्रिक सनरूफ है वो बंद हो जाता है, एंटी पिंच फीचर के साथ आता है। और थोड़ा अब यहीं का जो मैं टाटा पंच वगैरह से कंपेयर करते हैं तो भाई नो डाउट गाड़ी में फीचर भी टाटा पंच से कहीं ज़्यादा बेहतर ऑफर किए गए हैं। सेफ्टी वगैरह भी आपको 6 एयरबैग जो है वो भी देखने को मिल जाता है, काफ़ी स्पेसियस इसका केबिन जो है वो देखने को मिल जाता है। और उसके बाद सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह जो है वो भी चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाता है। टच रिस्पॉन्स वगैरह भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, काफ़ी बेहतरीन काम करता है। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी की बात करेंगे तो जब आप इसका रिवर्स गियर लगाते हैं तो काफ़ी बेहतरीन सा रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक ठाक है भाई, उतना भी बेहतरीन नहीं है, पर यह है कि काम चलाऊ आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। गाइडलाइन के साथ आती है, और ये जो पीप बीप आपको सुनाई दे रही है कुछ इस तरह आपको पार्किंग सेंसर अलर्ट करता रहता है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। ट्विन वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो 2.8 इवेंट्स, हज़ार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और नीचे नज़र डालते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, जिस हिसाब से इसमें टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी गाड़ी जो है वो ठंड या गर्म हवा देती है। और नीचे देखेंगे तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, टाइप सी चार्जर यहाँ पे ऑफर किया गया है, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिल्वर स्क्रीन का यूज जो है वो देखने को मिल जाता है,
टू का फोल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। रियर में आपको 2.8 एसी बेंड्स मिल जाएगा। ग्लोव बॉक्स की बात करेंगे तो गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। और सेफ्टी फीचर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पंच वगैरह से ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। तो आइए भाई अब चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में बता देते हैं। इसका बोनेट जो है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और भाई ये है इस हुंडई एक्स्टर में लगा हुआ 1.2 लीटर का के सीरीज का V6 फेज 2 इंजन। अगर आप पावर वगैरह की बात करेंगे तो 67 BHP की पावर निकालेगा, 95 Nm का टॉर्क, 95 Nm का टॉर्क निकालेगा। अगर जो आप इस गाड़ी की CNG में माइलेज की बात करते हैं तो 27 KMPL की जो माइलेज है वो कंपनी क्लेम करती है, और पेट्रोल की बात करेंगे तो लगभग 20 KMPL की जो माइलेज है वो पेट्रोल में कंपनी क्लेम कर रही है। टाटा पंच में जाते हैं तो 3 सिलेंडर का इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, पर इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाता है। पर भाई ओवरऑल स्पेस हो गया या गाड़ी की लुक है वो काफ़ी बेहतरीन से चाहिए, तो एक्स्टर कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकती है। इस गाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।